आज हम गैस वेल्डिंग द्वारा बट जॉइंट बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बट का मतलब होता है दो चीज को जोड़ना। जैसे ये दो मेरे पास में अलग अलग धातु है मेटल की, इसको हम इस प्रकार से सटा के रख के, यदि ये पीस ज़्यादा पतले हैं तो इसकी एज प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, और यदि इसकी और ज़्यादा मोटी होती है तो इसको दोनों किनारे तिरछे करके सिंगल वी भी बना सकते हैं हम। लेकिन गैस वेल्डिंग में हमेशा पतले पीसों को ही वेल्ड किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बट जॉइंट बनाना आज हम सीखेंगे। बट जॉइंट बनाने के लिए मटेरियल MS फ्लेट 3 mm इंटू 50 mm इंटू 100 mm के दो पीस लेंगे। फिलर रोड, इसमें जो रोड काम में आती है वो 2 mm डाया यानी 2 mm उसका व्यास होता है। जो MS फिलर रोड कॉपर कोटेड, उसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए उसको कॉपर कोटेड कहते हैं। उपकरण व औजार, इसके अंदर ऑक्सी एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ऑक्सी एसिटिलीन रेगुलेटर, रेगुलेटर हैवी ड्यूटी के डबल स्टेज रेगुलेटर लेते हैं। सिलेंडर की यानी कि सिलेंडर के ऊपर जो चाबी है ओपनिंग, सिलेंडर का जो वाल्व खोलते हैं उसको सिलेंडर की बोलते हैं, वो हमेशा रहनी चाहिए। गैस वेल्डिंग टॉर्च, संडासी यानी कि टोंग्स, स्टील वायर ब्रश इत्यादि, ये हमारे उपकरण व औजार हुए। अब इसको कैसे बनाया जाता है? सर्वप्रथम दोनों पीस काटने के लिए हमें सबसे पहले MS फ्लेट को बेंच वाइस में कस करके दिए गए नाप के अनुसार दो पीस काटेंगे। काटने के बाद फ्लेट फाइल बास्टर द्वारा उसकी फाइलिंग करेंगे, यानी फाइलिंग इस प्रकार से करेंगे कि चारों कोण उसके समकोण हो जाए, और ट्राई स्क्वायर लेकर के उसके चारों कोण हम देखेंगे 90 डिग्री है कि नहीं है, और यदि वो फ्लेट थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो स्लेज हैमर या हैम बॉल पेन हैमर से उसको हम सीधी कर लेंगे। फिर रेगुलेटर को सिलेंडरों पर फिट कर देंगे, यानी डबल स्टेज रेगुलेटर हमारे पास में हैवी ड्यूटी डबल स्टेज रेगुलेटर ही होने चाहिए, जो कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर ऑक्सीजन पे और एसिटिलीन का रेगुलेटर एसिटिलीन पे लगाएंगे। पहचान के लिए उसके ऊपर जो घड़ियाँ होती है उसके ऊपर लाल कलर है तो लाल कलर यानी रेड कलर का है तो वो एसिटिलीन पर रेगुलेटर लगेगा, और ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर घड़ियों का जो कलर है वो ब्लू है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगेगा। ये उसके सिंबल होते हैं। तो हैवी ड्यूटी रेगुलेटर लगा करके हम उसको फिट कर देंगे, एकदम टाइट कर देंगे, कहीं से लीकेज नहीं रहे। अब हम देखते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व खोल करके गेज को देख कर लीकेज चेक करेंगे, यानी कि यदि गैस कहीं से लीकेज है तो जो रेगुलेटर के गेज हैं वो घड़ी की सुइयां वो हिलने लग जाएगी, इससे मालूम हो जाता है कि यहाँ कहीं लीकेज है, उसको हम दूर करेंगे। सर्वप्रथम गैस वेल्डिंग टॉर्च में एसिटिलीन नॉब खोल करके आवश्यकता अनुसार टॉर्च लाइटर द्वारा जलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेल्डिंग जो टॉर्च होती है उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन के दो वाल्व नॉब होते हैं, दो तो उसके अंदर सबसे पहले ज्वलनशील गैस, एसिटिलीन का क्यों खोलते हैं, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, इसके नॉब को पहले खोलेंगे ताकि एक आग के गोले के रूप में ये जले। टॉर्च द्वारा हम जला देते हैं, आग के गोले के रूप में जले, फिर हम उसी वेल्डिंग टॉर्च का जो दूसरा नॉब है ऑक्सीजन का उसको खोल करके हम फ्लेम बनाते हैं, यानी एसिटिलीन तो जलाते हैं और ऑक्सीजन को धीरे धीरे खोलेंगे जिससे उसका आवश्यकता अनुसार हमारी एक फ्लेम तैयार होगी, मतलब हाई प्रेशर फ्लेम तैयार हो जाएगी। दो पीसों को आवश्यकता अनुसार टेकिंग करते हैं, क्योंकि टेकिंग करना बहुत जरूरी है, डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम टेकिंग करते हैं, और
फिर चित्र के अनुसार वेल्डिंग टॉर्च का एंगल 60-70 डिग्री और फिलर रॉड का एंगल 30-40 डिग्री रखते हुए वेल्डिंग करते हैं। लेकिन वेल्डिंग से पूर्व हम उनको प्री हीट करते हैं। पीस है, दोनों पीसों को हम टेकिंग करने के बाद प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने के बाद वेल्डिंग करते हैं ताकि वेल्ड मेटल और बेस मेटल आपस में मिल करके एक मजबूत जोड़ बन जाए। वेल्डिंग किए हुए गर्म जॉब को टोंग से पकड़कर चिपिंग हैमर से चिपिंग करते हैं, फिर स्टील वायर ब्रश से साफ कर देते हैं। यानी वेल्डिंग किया हुआ जो गर्म जॉब होगा उसके ऊपर थोड़ा स्लेग या जंग आ जाता है, कचरा थोड़ा बहुत आ जाता है, उसको हम चिपिंग हैमर से चिपिंग करके दूर कर देते हैं, फिर स्टील वायर ब्रश से बाकी रहे हुए उस स्टील वायर ब्रश को साफ कर देते हैं। इस प्रकार हमारा बट जॉइंट तैयार हो गया। अभी हमने गैस वेल्डिंग द्वारा बट जॉइंट बनाया था। किसी भी जॉब को बनाते समय मुख्य रूप से कुछ ना कुछ सावधानियां रखनी बहुत आवश्यक है। बार बार सावधान रहने से हमारे जॉब, हमारा शरीर सब सही रहता है। जैसे गर्म जॉब को हमेशा टोंग यानी संडासी से पकड़ना चाहिए, कभी भी नंगे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ जल सकते हैं। गैस वेल्डिंग व चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। गैस वेल्डिंग करते समय चिपिंग गॉगल का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से पराबैंगनी किरणें निकल हानिकारक किरणें निकलती है, वो हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती है। इससे सुरक्षा के लिए चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। और चिपिंग गॉगल्स का प्रयोग चिपिंग करते समय भी स्लेग उतारते हैं तब उसका उपयोग करना चाहिए ताकि उसके जो टुकड़े होते हैं स्लेग के, वह गरम गरम हमारी आँखों में जा करके हमारी आँखें खराब न हो जाए। इसलिए हाथों में दस्तानों का उपयोग करना चाहिए, कभी इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जल्दबाजी में गर्म लोहे को या गर्म जॉब को हम सीधे हाथों से पकड़ लेते हैं, इसलिए दस्तानों का ही उपयोग करना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर को तेल या ग्रीस से दूर रखना चाहिए, अन्यथा अधिक दाब पर आग पकड़ सकता है। ऑक्सीजन प्रेशर से भरा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर से गैस भरी जाती है, इसलिए इसमें तेल व ग्रीस जो ज्वलनशील पदार्थ है वो हमेशा दूर रहने चाहिए क्योंकि अधिक दाब होता है, आग पकड़ सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला सीधे किसी सिलेंडर से नहीं टकरानी चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला है, जो वेल्डिंग टॉर्च की जो ज्वाला है, वो कभी भी सिलेंडर से नहीं टकराना चाहिए, इससे भी चिंगारी उसे आग पकड़ सकते हैं सिलेंडर। सिलेंडर पर रेगुलेटर कसने के लिए हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हथौड़े से जो चिंगारी निकलती है उससे भी सिलेंडर आग पकड़ सकते हैं। इसके लिए उचित मात्रा में ही उसके उचित तरीके वाले स्पेनर ही काम में लेने चाहिए।